क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी और क्यू जो है मिलकर किसी काम को 4/2/5 दिन में करते हैं, आर और एस उसी कार्य को 4/8/9 दिन में करते हैं, पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा। देखो पी प्लस क्यू जो है वो किसी काम को 4/2/5 का मतलब होता है 22/5, ठीक है। आर प्लस एस जो है इसी काम को 9×36 और 8 कितना होता है 8×6=14, 44/9 दिन में, ठीक है। अब बोला गया कि चारों मिल जाए तो ये काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 44, 22 से जाएगा दो बार में 5 से जाएगा, ये 22 × 44 और 5, देखो दो बार गया ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5×2=10, 44 एक बार में तो 9×1=9, तो यहाँ से पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 10 आ गई, आर प्लस एस की एफिशिएंसी 9 आ गई। तो अगर मैं सबको मिला दूँ, इन चारों को मिला दूँ, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 10+9=19 और टोटल वर्क कितना है 44। तो 44 काम को 19 एफिशिएंसी के साथ करना है तो कितना दिन समय लगेगा, 19×2=38, 2×8=14, 6/19, तो 2×6/19 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।